जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा में इंदौर की ओशिन आलम, शाहरुख खान एवं अब्दुल राशिद ने जीते पदक। इसकी जानकारी करण सिंह चौहान ने देते हुए बताया कि कोच मास्टर सईद आलम के मार्गदर्शन में जकार्ता इंडोनेशिया में इंटरनेशनल कराटे स्पर्धा के कर्ता इवेंट्स में इंदौर की ओशिन आलम ने कंस्य, शाहरुख खान ने रजत तथा अब्दुल राशिद ने कंस्य पदक जीता। स्पर्धा में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया आदि के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों के इंदौर आगमन पर रेलवे स्टेशन पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विनोद सोनवले, वासनिक विक्रम देवड़ा, धीरज पटेल, विशाल सेनी, यश चंदेल, करण सिंह चौहान, सुमित्रा चंद्रवंशी, अर्शिता ओसारी आदि मौजूद थे। इंडोनेशिया में ये जकार्ता में 16 इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप था, ओपन कराटे चैम्पियनशिप, और इसमें हमारे यहाँ से 3 खिलाड़ी भाग लिए थे, ओशिन आलम, शाहरुख खान, अब्दुल राशिद। और ओशिन ने कुमिते इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, शाहरुख ने काता में सिल्वर मेडल, अब्दुल राशिद ने ब्रॉन्ज मेडल काता में, और ओशिन ने भी ब्रॉन्ज मेडल काता इवेंट में जीते। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट था कराटे का, ओपन चैम्पियनशिप इंडोनेशिया में, इसमें हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया और कंपटीशन तो बहुत टफ था और उसमें हमने कोशिश की हमारा लगातार हमारा बेस्ट देने की, और हमने फिर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल काता इवेंट में निकाले और आगे हम और अच्छा इसको परफॉर्मेंस को बेटर करके और कोशिश करेंगे हम हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत अच्छी कंपटीशन थी, इंटरनेशनल थी कराटे की, इसमें हम 3 लोगों ने हमने कंपटीशन में मेडल जीते हैं अपने इंडिया के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिसमें ओशिन ने कुमिते में गोल्ड मेडल जीता है, मैंने सिल्वर जीता और राशिद भाई ने ब्रॉन्ज जीता है, और अपने देश का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश के लिए और खेलना चाहते हैं हम। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।